तो बाइक में ट्रिपलिंग करते हुए ये हमारे जीवन ठाकुर जी, जो आपको नहीं दिख रही, इनकी टोपी आपको दिख रही है। जीवन जी आगे देखिए, अगर आप आगे नहीं देखेंगे तो हम लोग कहाँ देखेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो आज है दशहरे का चौथा दिन, तो आज भी पैरों में बहुत दर्द हो रही है, तो जब तक फ्रेश अच्छे से ना हो तो मन ही नहीं करता बुलवाने का। तो सुबह तो घर का थोड़ा सा काम होता है, गाय का दूध निकालना, घर क्या होता है, झाड़ू बर्तन, बस। आज तो खाना भी नहीं खाया, रघुनाथ जी के पास हमारी नानी जी है, उनकी धाम है, तो बस आज वहाँ जाइए खाना खाने, अदरवाइज तो घर से ही खा के आते थे। तो आज के दशहरे देखते हैं आज कौन कौन गेस्ट आते हैं हमारे। वैशाली, गुरी, ये तो दो दिन कंटिन्यू आए, इनको फूड बहुत पसंद आया, तो ये डेली आ गए खाने। अब तो वो शायद पूरी शिमला चले गए वापस, तो अभी आज रुपया हम देवते के पास जाएंगे, पहले अपना था टिकट, तो हम हर देवते के पास जाएंगे। भाई जब तक देवतों का आशीर्वाद है तब तक कुछ नहीं है। बाकी कुल्लू दशहरे में टेंट भी वो खड़े गए हैं देवते के, तो एक बहुत ही निंदनीय घटना है। और अभी भी फिर देवड़ू जो है प्रदर्शन करेगी, भाई हम लोगों को जगह क्यों नहीं दे रहे। तो ये सब जो न्यूज़ है ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिली, फेसबुक में मैंने वीडियो देखी, कुछ इस तरह के काम भी हुए इस दशहरे में, जबकि जो दशहरा है वो देवी देवताओं का दशहरा है। देवी देवताओं का दशहरा होने के बावजूद भी देवताओं को ही बैठने की जगह नहीं दे रही, जबकि वो देवते हुए जो लोग हैं वो देवते को ले भी जा रहे थे वापस, पर देवता नहीं मान रहा था। और नाग धूमल जी कला केंद्र में ही चले गए थे डीसी को ढूंढने, ऐसा सुनने में आया था। तो ये देव समाज है, देव नीति है, हम लोग अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग देवते को ही ज़्यादा मानते हैं। इस तरह की घटनाएं तो हम मतलब मन में सोच भी नहीं सकते कि देवताओं के खिलाफ हम जाएंगे। जो प्रशासन के अधिकारी आए थे वो चमड़े के जूते के साथ ही टेंट में गए टेंट उखाड़ने, तो पता नहीं लोगों को डर नहीं लगता, या फिर जो लोग नहीं मानते उन लोगों को भी डर नहीं लगता, या फिर अपनी ड्यूटी वो पूरी कर रहे हैं। तो हम लोगों में खौफ ज़्यादा है जो देवताओं का, मतलब डर नहीं बोल सकते, एक आस्था बोल सकते हैं आपकी, आस्था हमारे देवताओं के प्रति है। तो अभी जा रहे हैं हम माथा टेकने देवते के पास, रघुनाथ जी के पास और अपने देवते के पास, तो चलते हैं हम। तो अभी हम आए प्रदर्शनी ग्राउंड में, तो मैं सच बोलूँ तो मैंने तक प्रदर्शनी ग्राउंड की एक भी दुकान ढंग से नहीं देखी, बाहर से देखी। तो ये बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, नींबू है, कोई अचार ये अखरोट, छुपाने की वैरायटी, सेब, अनार, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे सिर्फ गोल्डन रॉयल दो ही नाम पता है, बाकी तो सेब मैंने सिर्फ देखे ही है, वो भी प्रदर्शनी ग्राउंड में ही। तो इनको देख के खाने का मन कर रहा है, पर ये देंगे नहीं खाने का। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट शॉप में हम। तो कोई कुछ बताने बैठा है, जैसे रेड क्रॉस वाले, इनको हम कुछ पूछेंगे तो ये जो हेल्प करते हैं। और भी ड्रोन ऊपर से जा रहा है, ड्रोन उदरे की चाय गांगड़ी का बात। तो ये नर्सरी प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया यहाँ पे, आयुर्वेद, रोड सेफ्टी। चलो तो ये है राधा एनजीओ जहाँ पे हम आपको ले गए थे, राधा एनजीओ में। तो ये लोग यहाँ पे लड़कियाँ जितनी भी आती हैं सब काम खुद करते हैं, रोजगार है उनके पास, और यही सेल करते हैं, प्लांट सेल करते हैं, खुद बनाया हुआ है जितना बनाया लड़कियों ने, तो रोजगार भी मिलता है और पढ़ाई भी साथ में करते हैं। शॉल, स्टॉल, सूट, जैकेट। तो हम जा रहे हैं अब इनको धोने पानी के पास, हमारे पास दी है पिछले कल, तो मेरे आने को सब साफ था, अभी साफ सफाई हो रही है, कटिंग हो रही है नूडल्स। हारमोनी बैंड, बैंड वाजली बैंड। तो अभी इनका शाम को यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला दोबारा से, तो अभी यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं। तो अभी आए हम रघुनाथ जी के पास, तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे खाना खाना है, यहाँ पे नानी जी वालों की धाम है, खाना खाने के लिए बुलाया था, तो यहाँ बहुत भीड़ है, ऐसे में तो खाना खाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, सब लोग खाना खाएंगे। कौन सैंटी की सारे ही आगे चले गए, जोत मांगने चले गए, अब जोत मांगेंगे। तो अभी हम खा रहे हैं सपना बेकरी से चॉकलेट वाफल, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी। थे दशहरे के दिन सड़क पे आना हुआ खाना खाने के लिए, तो हम पहले भी गए थे, पहले मिल नहीं रहा था, अगर हम अभी जाएंगे भी तो मुझे लगा कि बहुत भीड़ होगी, वेट करना पड़ेगा, तो मैंने बोला पल्लव को पहले मैं जाऊंगी फिर तू जाएगी, क्योंकि दोनों हमें एक टाइम पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि अभी लोग आना शुरू हो गए हैं।
तो थोड़ा काम करने में भी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए हम देखते हैं, क्योंकि हम यहीं खाने के भरोसे आ गए थे। सुबह खाना नहीं खाया था, कल रात को भी खाना नहीं खाया था, तो दो टाइम का खाना, दिन को भी नहीं खाया, कल सुबह मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया, बस अभी पेस्ट्री खाकर आ गई मैं। तो पेस्ट्री से पेट भरा, वो भी दो ले ली, और दूसरी वाली उन्होंने ठंडी दे दी, तो जिस वजह से उसको खाने में उतना मज़ा नहीं आया, पर टेस्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छी है चोको ब्राउनी। अरे मुझे भूख लगी है, चक्कर आ रहा है। करते हुए श्रद्धालु खाना खाने के लिए, चलो भाई आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे मुझे दिखे नाना जी, और मिल गई फाइनली जगह, मुझे लोग बैठे भाई के बारे में चक्कर आ रहे हो। रघुनाथ के मंदिर में नानी जी की धाम, बहुत कष्ट चले पड़े यहाँ तक पहुँचने के लिए। पेट में गंदी डाल दी इन लोगों ने, चलते चलते पेट में दर्द हो रही है, पेट भर गया। अब बस जल्दी लगी है जाने की, स्टॉप तक खाली खाना आ जाएगी एनर्जी काम करने की, चलते हैं। चलो भाई चलो, अब मेरे को एक और काम दे दिया यहाँ से आगे। सुंदर सिंह ठाकुर जी खुद मौजूद है, तो इतना जोरदार तालियां होनी चाहिए वहाँ के लिए, क्योंकि वाकई अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, मैंने आज देखा कितने लोग बैठे हैं, अपने आप में विश्व मानचित्र पटल पर एक इतिहास बनाने जा रहा है। जी हाँ, कला केंद्र जैसा ही विशाल मंच प्रदर्शनी शॉप में देखिए, अभी भी कस्टमर बैठे हैं, टाइम 10 बजे से ज़्यादा हो गए, 10:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे कस्टमर तो अभी भी आज तो काम चला हुआ है, तो मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ, अभी तक मैं यहीं पे हूँ। तो आज भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर आए थे, तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप आगे भी मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, पर मुझे भी घर भी जाना है, अभी तो 10:30 होने वाले शायद, 10 तो बहुत पहले बज गए थे, तो अभी भी मैं शॉप में हूँ, आज मैं गई नहीं, अभी पीछे बैग भी तैयार कर लिया।